अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ी ही ज़बरदस्त डेली स्टाइल जैसे हम लोग बनाते हैं शलजम और पालक की सब्ज़ी की भुजिया, बहुत ज़बरदस्त होती है। आप देखें मैं किस तरह बना रही हूँ, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। मैं पहले इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन, ये मैं एक चम्मच इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है, मतलब कि कितने चार जवे होंगे इसके अंदर। ये तीन पाके करीब पालक थी, कट कटा के इतनी रह गई है। इसको मैंने मतलब 10-15 मिनट एक भर के चम्मच हल्दी और पानी में डाल के भिगो दिया था। बच्ची ने पानी फेंक दिया, नहीं तो मैं पानी भी दिखा दी, काला काला सा पानी हो गया था। एक चम्मच हल्दी का डाल के और पालक को डुबो के रख दें। और मैंने ये आधा किलो शलजम है, इसको मैंने ज़रा सा उबाल लिया, कच्चा है, बस हल्का सा मैंने इसको उबाल लिया ताकि इसका खारापन निकल जाए। ये दोनों का खारापन निकल चुका है। ये खास बात यह है शलजम को उबालना और पालक को हल्दी में भिगोना। इसमें फिर अब मैं ये ज़रा लाल हो जाएगा, और ये देसी मसाले हैं, एक चम्मच कुटी मिर्चें, नमक, हल्दी, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया। हरी मिर्चें मैं ज़्यादा लेती हूँ सब्ज़ी के अंदर, मतलब 6-7 हरी मिर्चें हैं कटी बारीक बारीक। एक प्याली टमाटर है, और ये आखिर में जाएगा सूखी मेथी, कसूरी मेथी एक चम्मच, ज़्यादा नहीं है तो फिर मेथी की खुशबू ज़्यादा हो जाएगी, सिर्फ एक चम्मच। नींबू और ये दही है, दही फिरोज़ा नहीं, ये हो जाएगा तो मेरी दही और नींबू कसूरी मेथी आखिर में जाएगी। और ये आखिर में क्या दूध की प्याली जाएगी। ये लाल लहसुन लाल हो रहा है, लहसुन लाल हो रहा है, तो मैं अब इसके अंदर ये ज़ीरा डाल दूँगी। लहसुन और ज़ीरे का बघार ज़बरदस्त। और लहसुन हो गया, ज़ीरा हो गया, मैं फौरन इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर, एक प्याली टमाटर। ये देखिए मैंने ये मसाले वसाले डाल के पालक को भून लिया मैंने। ये तो अभी करें पालक को खोलने के लिए चमचे से, ये वाले चमचे से ना नीचे से ये न्यू कर दें, या इस तरह से कर लें। ये मैंने इससे ये लिया और इसे जो है खूब अच्छी तरह से इसको खोल दिया पालक को, इससे मसल मसल के ये पालक खुल गया। अच्छा मैं आपको एक बात, ख़ास बात बताने वाली हूँ कि मेरी वेबसाइट बन चुकी है hamidadevi.com के नाम से। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, देखें मेरी वेबसाइट अज़ा तरफी, उसमें वेबसाइट में अज़ा तरफी लिखी हुई है। मेरी वेबसाइट को विज़िट करें और मेरी वेबसाइट को विज़िट करें, देख ले सही बोला कि नहीं बोला। मेरी वेबसाइट है hamidadevi.com, आप उसमें विज़िट करें और देखें मेरी तरकीब और अज़ा उसमें सारी मौजूद है। अच्छा ये मैंने क्या ना, मैं ये भून लिया पालक को, मैंने आपको बताया ना वो मैंने इसे खोल दिया पालक को। अब इसको बिल्कुल वही मिर्ची जो मैंने डाली थी सब कुछ अभी तक वही है। अब ये मैंने जो एक हल्का सा उबाल दे लिया था इसको शलजम को, ताकि इसका खारापन निकल जाए, वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। मैं इसके अंदर डालूंगी ये हरा धनिया और एक चम्मच सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो है एक चम्मच सिर्फ, ताकि खुशबू रहे। और मैं इसमें डाल रही हूँ दही, 4 चम्मच दही हैं ये मैंने डाल दिए,
इसको भी भूनती हूँ मैं। दही का मजा, मिर्चों का, ये शलजम ले लें, फिर मैं बाद में इसमें ये नींबू भी डाल देंगे ताकि इसका खारापन जो है ये सब कुछ खत्म हो जाए। फिर मैं भी बताती हूँ कि मैं ये दूध कौन से स्टेज पे डालूंगी इसमें। मैंने शलजम डाल दिए थे, शलजम डाल के मैंने खूब अच्छी तरह इसको भून लिया, पूरा भून चुका है, ये घी भी ऊपर आ चुका है जितना था इसके अंदर, ये बिल्कुल पानी नहीं है। जब बहुत मज़े की, बहुत ही लजीज बने, ये समझ लें आप। अच्छा, अब इसमें हालांकि मैंने उबाल लिया, वो हल्दी डाल दी थी इसमें एक घंटा पहले, पालक में इतना तलखन नहीं थी और ये शलजम उबाल लिए थे, फिर भी मैं महसूस करती हूँ इसमें थोड़ा सा दूध ज़रूर डलेगा ताकि इसका जो मतलब 4-5 चमचे दूध के डाले मैंने, ये थोड़ा सा दूध है और इसके साथ ये असली घी, मक्खन हो तो मक्खन डाल दें, असली घी हो तो असली घी डाल दें। सब्जी को मज़े की करके बनाएं तो कौन ऐसा बंदा है जो नहीं खाएगा, मेरे जहाँ तक ख्याल है। सब्जी तो सब्जी होती है मगर उसके मज़े के बनाने का वो भी होता है, ये खाएं, वाकई बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त बनी है। अच्छा, दूध को इतना भूनना वूनना नहीं है, नहीं तो फिर एकदम सब्ज़ी बहुत वैसी हो जाती है। अब देख मैं किस तरह खाऊंगी, मैं आपको बताऊं। मैं खाने में जरा सा बहुत वो हूँ। तैयार हो चुकी है ये सलाद, तैयार हो गई, ये मैंने अपने लिए निकाल लिया है, ये मैंने रोटी गरम की, अब रोटी के ऊपर ये हल्का, अब कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो बनता ही रहता है। इससे असली इसे तो भी बढ़ेगा ये, अगर इस तरह से खाना खाएं तो मैं तो ज़्यादा ख्याल है एक रोटी से 2 रोटियां खाई जाएंगी और बहुत मज़े की लजीज बनी है, ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह अगली रेसिपी सब्जी के साथ या अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, क्योंकि अब गर्मी आ गई, सारे सब्ज़ियाँ बनेंगी और सब्ज़ियाँ भी माशाल्लाह अच्छी बनेंगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं, ज़रूर बनाएं सब्जी वाली।